नमस्कार साथियों, भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म डॉक्टर पंचोली सर की क्लास में मैं गोविंद एक बार फिर से आपके साथ में माफ़ी के साथ में हाजिर हूं, क्योंकि आज थोड़ा सा और लेट हो गया। रीज़न बीइंग दैट कि आपने नाम सुना होगा बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं, जिनका नाम है धीरेन्द्र जी शास्त्री, वो आज उदयपुर में आए हुए हैं। तो लगभग यूँ समझ लीजिए पूरा ट्रैफिक जाम है और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। एनीवेज, तो चलिए आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आपको मैंने लास्ट क्लास में लास्ट क्लासेस, ये हमारा 11वां सेशन होगा जिसमें हम मेवाड़ के इतिहास के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं और उसके बाद में नया टॉपिक शुरू होगा। तो होपफुली आज ये इस टॉपिक का यानी मेवाड़ के इतिहास का अंतिम अध्याय होगा, अंतिम सेशन होगा। उसके बाद में हम जो हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, तो उससे पहले दूसरी रियासतों को या दूसरे इतिहास को हम निपटाएंगे। एनीवेज, तो आपको तो पता होगा, ज्ञात होगा कि हम आरएस के हिसाब से क्लासेस ले रहे हैं और आरएस के इस सेशन के अंदर हमने जो है 2023 के जो आरएस है उसको डिज़ाइन करते हुए हम लगातार मेवाड़ के इतिहास को देख रहे हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाकर हम पहुंच रहे हैं मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की तरफ। महाराणा राज सिंह नाम ही काफ़ी है। महाराणा राज सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वाले की क्लास के अंदर, लास्ट वाले सेशन के अंदर, कि राज सिंह जी जो है 1600-1652 को मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे और करीब 1680 तक उनका शासनकाल है। देखिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत हुई, 1707 में। तो औरंगजेब आलमगीर की मृत्यु के साथ ही भारत में आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हो जाती है और राजस्थान भी उसका हिस्सा है, तो स्वाभाविक सी बात है राजस्थान में भी आधुनिक राजस्थान के इतिहास की शुरुआत होती है। इस कारण से बाकी वाला मैटर हम आधुनिक इतिहास में देखेंगे। सबसे पहले एक बार जान लेते हैं कि राज सिंह जी के बारे में हमने क्या क्या अब तक देखा। देखिए राज सिंह जो है वह बादशाह शाहजहां के अधीन थे। हालांकि ये अधीन शब्द मुझे बहुत चुभता है, लेकिन मेरे चुभने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतिहासकारों ने जो मान लिया वो हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा अगर कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है तो। उसके बाद में औरंगजेब आलमगीर के अधीन रहे। और महाराणा राज सिंह जी ने शाहजहां के पुत्रों के बीच में, जो शहजादों के बीच में जो उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ा था, वॉर ऑफ सक्सेसर्स, उसके बाद में महाराणा राज सिंह जो है वह उत्तराधिकार संघर्ष में हिस्सेदारी नहीं लेते हैं और इसी उत्तराधिकार संघर्ष में हिस्सेदारी न लेने की वजह से उन्होंने मौके का फायदा उठाकर टीका दौड़ उत्सव के बहाने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और टीका दौड़ उत्सव के बहाने साम्राज्य विस्तार किया और साम्राज्य विस्तार करने के पश्चात में महाराणा राज सिंह ने जो है चित्तौड़ किले की मरम्मत भी करवाई, जो कि संधि की शर्तों के खिलाफ था। चित्तौड़ किले को रिपेयर करवाया, हालांकि वो मरम्मत बाद में तोड़वा दी थी, लेकिन राज सिंह जो है मुगलिया सल्तनत की कैलिबर को, उनके अंदर कितना दम है वो देखना चाहते थे। ठीक है, तो ये चीजें आप विवेक जी आप आराम से बना सकते हैं, जैसे कि सिंपल सा है। देखिए आप एक शब्द इस्तेमाल करते हो, हम नोट्स कैसे बनाएं, पहली बात तो ये समझ लीजिए, नोट्स बनाने से पहले, नोट्स बाद में बनाइएगा, पहले ये समझ लीजिए नोट्स होता क्या है। नोट्स का मतलब होता है आउटलाइन, शॉर्ट में। तो आप अपने तरीके से नोट्स बनाएं, किसी के तरीके से नोट्स बनाए हुए आपके कोई काम नहीं आने हैं। वो नोट्स बनाएं जो आपको समझ में आए, दूसरों का फायदा ना देखें अपना देखें पहले। ठीक है, तो अपना फायदा इसी तरह से हो सकता है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे कि महाराणा राज सिंह ने जो है टीका दौड़ उत्सव के बहाने साम्राज्य का विस्तार किया, उसके बाद में चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई और संधि की शर्तों के खिलाफ उन्होंने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई।
इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं शॉर्ट तरीके से, ठीक है साहब। अच्छा, उसके बाद में महाराणा राज सिंह जी के समय जो चैलेंज आया वह औरंगजेब आलमगीर का चैलेंज था। आलमगीर जो है वह 1658 में बादशाह बना, 1707 उसका शासनकाल है। पूरे विश्व इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल इसी का है, 49 वर्ष और 6 महीने। अब तक इतना लंबा शासन तलवार की नोक पर किसी ने नहीं किया जितना औरंगजेब आलमगीर ने किया। तो औरंगजेब आलमगीर जो है 1658 में बादशाह बना। कुछ लैंग्वेज में खुद भी लिखवा रहा हूं आपको जो आपको जरूरत है। 1658 में जब औरंगजेब बादशाह बना तो उसने दार उल इस्लाम में बदलने की नीति अपनाई। कहने का तात्पर्य, औरंगजेब जो है वह काफिरों के राज्य को, काफिर यानी जो गैर मुसलमान हैं, जो खुदा पाक को अल्लाह पाक को नहीं मानते, उनको इस्लाम में बदलने की नीति अपनाई। और उसी नीति के सिलसिले में उसने बहुत सारे ऐसे घिनौने कार्य किए जिसको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, मैं खुद भी नहीं कर सकता। पहला काम किया उसने जो है वह अनगिनत कर लगाए। तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं कि औरंगजेब ने बादशाह बनते ही दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने की नीति अपनाई, अर्थात काफिरों के राज्य को इस्लाम में बदलने की नीति अपनाई और अनगिनत कर लगाए। उन करों में आपको मैंने बताया था पानदारी, यानी एक तरह से चुंगी लगाई, दूसरा शहदारी कर लगाया, शहदारी जो है बाजारों पर कर लगाया। इवन कुछ इतिहासकार तो यह भी लिखते हैं कि औरंगजेब ने वहबदारी नाम का कर भी लगाया था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जो है मांस बेचने का अनिवार्य भी कर दिया था उसने। साथ साथ में उसने जजिया लगाया। जजिया सारी किताबों में लिखा हुआ है कि एक धार्मिक कर है, यानी इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये हो जाता है कि धर्म से संबंधित ये कर नहीं है। दरअसल जो गैर मुसलमान हैं, जिसे जिम्मी कहा जाता है, अगर वह किसी इस्लामिक हुकूमत में रहते हैं, यानी जिस देश का राजा अगर एक मुसलमान हो और अगर जनता जो है वह गैर इस्लामी हो, यानी मुसलमान धर्म को नहीं मानती हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसका कत्ल जायज है। अगर कत्ल से वो बचना चाहता है तो इसके बदले में अपनी सुरक्षा के लिए वह जजिया देगा। इसे एक धार्मिक कर की संज्ञा आप दे सकते हैं आसानी से, ठीक है। हाँ हाँ भाई, मैं समझ में आ गया, मुझे नोट्स भी लिखवाएं। लेकिन एक बात दिल पे हाथ रख के कसम खा के बोलिए विवेक जी खींची, आपको पता है ना कि हिस्ट्री कितना बड़ा है सब्जेक्ट। अगर हम उस तरह से लैंग्वेज में लिखने जाएंगे तो फिर गए 3-4 साल की। और दूसरा, जिस बारीकी से मैं पढ़ा रहा हूँ उतने अगर हम नोट्स बनाने जाएंगे तो फिर हम कबाड़ा हो गया। और तीसरा, अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाने चाहिए, ठीक है, जो हमको समझ में आए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि औरंगजेब ने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने की नीति अपनाई और इस नीति के तहत अनगिनत उसने कर लगाए, जिसमें से कुछ करों का नाम सामने लिख लीजिए। पानदारी चुंगी, शहदारी बाजारों पर कर, जजिया एक धार्मिक कर लगाया। साथ साथ में आपको यहाँ पे नोट ये भी डालना होगा कि मेवाड़ एकमात्र रियासत है जिसने जजिया नहीं दिया। छत्रपति शिवाजी को भी जजिया देना पड़ा था, ध्यान रखना। छत्रपति शिवाजी को हिंदुस्तान के इतिहास में जितना बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता ना, उन्होंने भी जजिया दिया था औरंगजेब को, देना पड़ा मराठों को भी जजिया। लेकिन शेर तो एक ही था, राज सिंह, जिसने जजिया नहीं दिया, ठीक है साहब। साथ साथ में औरंगजेब ने एक और कार्य किया था, हिंदू मंदिर तोड़वाने का फरमान जारी किया और उसमें हिंदू मंदिर तोड़वाएं इस तरह से लिख लीजिए। औरंगजेब का अगला आदेश, अगला फरमान, हिंदू मंदिर तोड़वाएं। उन हिंदू मंदिरों में सबसे ज्यादा जो निशाना बनाया गया था वो निशाना बनाया गया था उज्जैन को, मथुरा को और वृंदावन को।
हालांकि पूरे हिंदुस्तान में मंदिर निशाना बनाए गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टारगेट किए गए थे वे मंदिर उज्जैन के, मथुरा के और वृंदावन में टारगेट किए गए थे। ठीक है साहब, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि दूसरा उसने आदेश दिया था कि उसने हिंदू मंदिर तोड़वाएं जिसमें उज्जैन, मथुरा और वृंदावन के मंदिर मुख्य थे। ठीक है साहब, तो उज्जैन, मथुरा और वृंदावन के मंदिर तोड़े, उसी मंदिरों में से एक मंदिर जो है वृंदावन में तोड़ा गया था। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ा। गोविंद देव जी का सीधा सा मतलब है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ा। और उस मंदिर के कुछ पुजारी जो है उसकी मूर्तियां लेकर, पुजारी परिवार मूर्तियां लेकर मेवाड़ आए थे। मेवाड़ आए और महाराणा राज सिंह ने उन मंदिरों को मेवाड़ में स्थापित करवाया, उन मूर्तियों को, और मंदिर बनवाए, जिसमें घसियार गांव का मंदिर सबसे पहला मंदिर है। ये घसियार गांव वर्तमान उदयपुर जिला हेडक्वार्टर के पास में है, जहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। ठीक है, साथ ही साथ इसके अलावा सिहाड़ गांव जो कि नाथद्वारा के अंदर है, राजसमंद, वहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। इसके अलावा एक मूर्ति स्थापित करवाई गई कांकरोली में, जहां पर द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया, ये भी राजसमंद में है। ठीक है साहब, इसके अलावा जो है वह मंडपिया वर्तमान चित्तौड़ में है, वहां पर सांवलिया सेठ का मंदिर बनवाया। ये भी कृष्ण मंदिर है। इसके अलावा जो है गडबोर जो कि वर्तमान राजसमंद में है, वहां पे चारभुजा मंदिर बनवाया। इसके अलावा उदयपुर शहर के अंदर बोहरा गणेश जी का मंदिर बनवाया, बहुत ही फेमस मंदिर है ये पुराना। इसके अलावा महाराणा राज सिंह जी ने उदयपुर शहर के अंदर ही वह अंबा माता का मंदिर बनवाया। ये अंबा माता का मंदिर और जगत अंबिका मंदिर अलग है। जगत अंबिका मंदिर नहीं, अंबा माता का मंदिर उदयपुर शहर के अंदर है, वो मंदिर बनवाया था महाराणा राज सिंह जी ने। यानी आप देख सकते हो, एक तरफ जो है वह औरंगजेब मंदिर तोड़वा रहा है और दूसरी तरफ महाराणा राज सिंह मंदिर बनवा रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि ये लास्ट क्लास में लिख लीजिएगा। तो होपफुली आपने लास्ट क्लास में ये सारे मैंने बता रखे थे, तो सारे आपने लिख लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। सिंपल सा सवाल आता है, कौन से मंदिर कहाँ हैं, आपको पता होना चाहिए। या राज सिंह जी के समय कौन सा मंदिर बना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है साहब, चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जो है भयंकर टक्कर पे टक्कर ली। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को धमकी भरा पत्र भी लिखा। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को जो है वह जजिया कर नहीं दिया। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर मंदिर बनवाए। अब तो औरंगजेब को अकल आ जानी चाहिए कि वह मेवाड़ पर कार्रवाई करें, लेकिन अब तक औरंगजेब की हिम्मत नहीं हुई, हिमाकत नहीं हुई कि वो मेवाड़ पर अधिकार करें या मेवाड़ पर कब्जा करें। ठीक है साहब, तो आखिरकार औरंगजेब अब क्या करेगा, किस तरीके से मेवाड़ को
वह त्रास देगा, वो चीजें हमें आज के इस सेशन से शुरू करना है। ठीक है साहब, तो चलिए चलते हैं आगे वाले सेशन पर। देखिए साथियों, आपने मारवाड़ तो नाम सुना होगा। मारवाड़ में एक शाखा है राठौड़ शाखा, मारवाड़ की राठौड़ शाखा। और मारवाड़ राठौड़ शाखा में सबसे पहले जो रावजी हुए थे उनका नाम था राव सिंहा। और मारवाड़ के रावजी में सबसे पहले राव सिंहा और उन्हीं के वंशज थे राव आसनाथ, आसनाथ के बेटे राव वीरम, फिर चूड़ा, चूड़ा के बेटे काना, फिर रणमल, रणमल के बेटे जोधा, जोधा के बेटे जो है उनका नाम था जो राव जोधा के जो बेटे हैं उनका नाम था एक सबसे बड़े बीका, उनके बाद में सूजा, और सूजा के बाद में एक जो बेटे हुए थे उनका नाम मेरे दिमाग से जस्ट स्लिप हो गया है, क्या नाम था उनका, सातल, यस सातल, राव सातल, और सातल के बाद में सूजा, सूजा के बाद में जो है बाधा, और बाधा के बेटे थे जिनका नाम था राव मालदेव। ये तो नाम सुना होगा राव मालदेव का आपने। राव मालदेव के सबसे बड़े रावजी थे जिनका नाम था राम सिंह, सबसे बड़े पुत्र थे राम सिंह, और राव राम सिंह के छोटे भाई थे उदय सिंह, जिन्हें इतिहास में मोटा राजा नाम से जाना जाता है। और उदय सिंह जी के छोटे भाई थे राव चंद्र सेन, जिन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, और उनसे छोटे थे जगमाल सिंह। तो राव मालदेव के बाद में मारवाड़ की गद्दी जो संभाली थी वह संभाली थी राव उदय सिंह ने, जिन्हें मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता है। वास्तव में ये इतने मोटे थे, कहते हैं कि घोड़े पर बैठ के घोड़े को मार डालते थे, इनके लिए हाथी मंगवाना पड़ता था। मोटा राजा उदय सिंह के एक पुत्र थे जिनका नाम था सूर सिंह, जिन्हें इतिहास में सवाई सूर सिंह कहा जाता है, सूर सिंह। और इन्हीं सूर सिंह के छोटे भाई थे जिनका नाम था किशन सिंह। इन्हीं किशन सिंह जी को बादशाह जहांगीर ने एक रियासत दी थी, मारवाड़ के टुकड़े कर दिए थे, और उसी रियासत को किशनगढ़ कहा गया, किशनगढ़ राठौड़ शाखा, वर्तमान अजमेर में। ठीक है, इन्हीं किशन सिंह जी के, जो कि किशनगढ़ के राठौड़ राजा थे, किशन सिंह जी के पुत्र हुए थे जिनका नाम था सावंत सिंह, जिन्हें आप नागरी दास कहते हैं, इन्हीं शाखा में नागरी दास हुए थे, जो आपको पता होगा बनी ठनी के रचयिता है, इसी शाखा में हुए थे नागरी दास जी, बनी ठनी के रचयिता किशनगढ़ शैली में। ठीक है, सावंत सिंह के बाद में नेक्स्ट बने थे जिनका नाम था रूप सिंह। देखिए, किशनगढ़ राठौड़ शाखा में सारे के सारे कृष्ण भक्त थे, और किशन जी के नाम से, कृष्ण के नाम से ही इस रियासत का नाम जो है वह किशनगढ़ पड़ा था, न कि किशन सिंह जी के नाम पर, क्योंकि किशन सिंह जी का नाम भी भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ही दिया गया था। ठीक है, रूप सिंह जी के एक लड़के थे जिनका नाम था मान सिंह। यह पूरा परिवार ही कृष्ण भक्त था, और इन्हीं रूप सिंह जी की एक लड़की भी थी जो कि मान सिंह की एक बहन थी, जिसका नाम था चारुमती। राव मानसिंह राठौड़ की बहन चारुमती। ठीक है, एक बार ये आउटलाइन लिख दो, फिर कहोगे कि हमें नोट्स बनाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये आउटलाइन लिख लो फटाफट, या तो सारे एक एक मत होकर निर्णय लो अगर नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने। कुछ लोग खाली बस जो है वह स्क्रीनशॉट से और मजे लेने में टाइम पास वेस्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नोट्स बनाना चाहते हैं। या तो सारे बनाओ या फिर सारे बाद में बनाओ, डिसाइड कर लो पहले क्या करना है। सबकी इच्छाएं तो पूरी नहीं की जा सकती ना। माही मौर्या,
आगे आगे मत भागो बेटा, मैंने कई बार बोला ना साथ साथ चलो, मुझे पता है आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से आता है, लेकिन सामने ऐसे ऐसे फैक्ट आते हैं तब है ना मुंह में उंगली डाल के बैठते हो कि यार ये तो मैंने पहली बार पढ़ा, जल्दी फटाफट लिख लो। जल्दी लिखो, सबको लिखने दो, नहीं लिखने दो, कोई कह रहा है नेक्स्ट, कोई कह रहा है ये न ज्यादा। आपने सुना होगा ना एक शब्द, दाइया ज्यादा होती है तो जाफा बिगड़ जाता है, तो आप अलग अलग विचारधारा रखोगे तो फिर जाफा बिगड़ेगा ही। एकमत होके निर्णय दो ना मुझे। अरे भाई जो ये सोचता है ना कि मैंने नोट्स बना रखे हैं, वो इस तरह से नहीं बना रखे होंगे आउटलाइन की तरह, कौन किसका बेटा है, कौन कहां से आया है, इस तरह से नहीं बना रखे होंगे, इसलिए चुपचाप बना लो। गुस्सा मारूंगा मैं, अब बहुत हो गया। वहीं आके गुस्सा मारूंगा, ध्यान रखना। जैसे पहले मार साहब नहीं मारते थे, ठोलान घुसेन मारते थे वैसे। चलिए फटाफट बना लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, बनाने वालों ने बना रखे होंगे। चले ठीक है, अब पूरी कहानी सुनिए हुआ क्या। देखिए मानसिंह राठौड़ की एक बहन थी जिसका नाम था चारुमती। ये चारुमती बहुत ही सुंदर और एक नवयुवती थी, और इतनी सुंदर कि मत पूछो आप, 17-18 साल की एक नवयुवती थी, उम्र कम थी। एक बार चारुमती जो है मेले में गई, मेले में चारुमती अपनी सखियों के साथ में मेले में गई, और उस मेले के अंदर अपनी सखियों के साथ में घूम रही थी। घूमते घूमते उसने कुछ दुकानें देखी, क्योंकि मेले में तो आप जानते हो दुकानें होती हैं, और घूमती घूमती वह एक दुकान में पहुंची अपनी सखियों के साथ में, अपनी दासियों के साथ में। वो दुकान जो थी वो तस्वीरों की दुकान थी, तस्वीरें होती है ना, पिक्चर्स की दुकानें। तो आप भी जानते हो कि जो युवा लोग होते हैं आजकल, तो व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम का जमाना है, तो आप उसमें तस्वीरें देख लेते हैं, लेकिन उस जमाने में तो आप सोचिए तस्वीरें जो है पेंटिंग ही मिलती थी। आज भी आपने बहुत सारे ऑटो वालों को देखा होगा, सलमान खान ने शाहरुख खान की तस्वीरें लगा के रखते हैं अपने ऑटो में, अपने घरों में, मिथुन चक्रवर्ती ने, पुराने जमाने देखा होगा, ज्यादा नहीं 3-4 साल बीते उस बात को। तो आप जानते हो कि चारुमती एक युवती है, पूरी कहानी सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो युवती है तो स्वाभाविक सी बात है उसके भी तो कोई सपनों का राजकुमार होगा, इसलिए चारुमती ने जो है उस तस्वीर वाले से कहा कि मुझे सुंदर सुंदर हैंडसम हैंडसम बंदों की तस्वीरें दिखा, मुझे खरीदनी है। जैसे कि आजकल की जो थोड़े 3-4 साल पहले की लड़कियां थी, वह उनके लिए अक्षय कुमार ने, ऋतिक रोशन ने, जो उनके फेवरेट होते ना वैसे कुछ, और लड़कों के लिए वही माधुरी दीक्षित ने, आलिया भट्ट ने वगैरह ऐसे। तो चारुमती तस्वीरें देखने लगी साहब, तस्वीरें देखते देखते उसने एक तस्वीर पलटी, दूसरी पलटी, तीसरी पलटी, ठीक है, और उसे एक बढ़िया से हैंडसम बंदे की तस्वीर दिखाई थी। तो चारुमती उस हैंडसम व्यक्ति की तस्वीर देख के काफी खुश हुई, उसे मजा आने लगा कि यार काश ये बंदा मेरा पति बन जाए ना, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक सब। तो उस समय एक्साइटमेंट होती है कि काश इस बंदे की और तस्वीरें मिल जाए, तो वो और तस्वीरें पलटने लगी। वो और तस्वीरें जो ही पलट रही थी तो उसने पांचवी, छठी, सातवीं तस्वीर देखी, और तस्वीर देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। एक तस्वीर पर ऐसी नजर पड़ी उसकी कि उसको इतना भयंकर गुस्सा आया कि उसने उस तस्वीर को वहीं पे फाड़ा, और फाड़ के नीचे पटका और पैरों तले रौंदा उस तस्वीर को, और अपनी सखियों को भी कहा कि जूते मारो इस तस्वीर वाले को। आप लोग समझ चुके होंगे कि चारुमती ने जो चौथी तस्वीर देखी थी वो किसकी थी, लेकिन वो उसे नहीं जानती कि वो कौन है। वो तस्वीर थी महाराणा राज सिंह की, और जो 11वीं 12वीं तस्वीर देखी थी ना,
जिसको उसने फाड़ के पैरों तले रौंदा वह तस्वीर थी औरंगजेब की। क्योंकि चारुमती भी जानती हैं कि औरंगजेब नाम के व्यक्ति ने उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण के मंदिर तोड़वाए हैं, इसलिए उसे नाराजगी भयंकर हुई। पास में एक मुगल सैनिक खड़ा था और उस मुगल सैनिक ने ये एक्टिविटी देख ली और देखकर सीधा वो गया औरंगजेब के पास में और बादशाह औरंगजेब आलमगीर से कहने लगा कि बादशाह आलमपना, आपके बारे में जनता रियाया क्या सोचती है, शायद आपको इस बात का इल्म नहीं आलमपना। मैंने एक किशनगढ़ में एक घमंडी राजकुमारी देखी, आपके अधीन एक राजा है मानसिंह राठौड़, उस मानसिंह राठौड़ की एक बहन है जो काफी घमंडी है और आपकी तस्वीर उसने मेले में देखकर उसे फाड़ा और पैरों तले रौंदा और रौंद के अपनी सखियों को भी कहा कि इसको जूतियां मारो। स्वाभाविक सी बात है औरंगजेब को खून खौलेगा। औरंगजेब ने अपने अधीन शासक मानसिंह राठौड़ से संदेशा भिजवाया और कहा कि मुझे तुम्हारी बहन से निकाह पढ़ना है। जबरदस्ती चारुमती के घर में शादी का डोला भिजवाया। वो डोली वाला सीधा किशनगढ़ पहुंचा और किशनगढ़ पहुंचकर राठौड़ राजा मानसिंह से कहने लगा कि आपकी बहन को हमारे आलमपना बादशाह औरंगजेब आलमगीर अपनी ख्वाबगाह में देखना चाहते हैं, उसे अपनी बेगम बनाएंगे, इसलिए अपनी बहन को बोलो कि वह डोली में बैठकर सीधा आगरे आए हैं। अब किशनगढ़ मना करें, मानसिंह मना करें, तो किशनगढ़ का सर्वनाश निश्चित है। इसलिए बेचारे मानसिंह क्या करे, समझ नहीं आया उन्होंने। किशनगढ़ के शासक मानसिंह ने हामी भर दी कि मैं तैयार हूं अपनी बहन को भेजने के लिए। अब समस्या यह है कि चारुमती ने अपने भाई को कहा कि भैया अगर आप में राजपूती खून उबाल मारना बंद कर दिया है तो एक हंसीनी बगुले के घर की शोभा बन सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी तो देखना चाहती हूं कि संपूर्ण राजपूताने में कोई राजपूती खून शेष है या नहीं है। अब भाई साहब ऐसे वक्त में चारुमती ने सीधा अपने सपनों के राजकुमार जिनकी तस्वीर देखी थी उनको एक पत्र लिखा। चारुमती ने राज सिंह को पत्र लिखा और उस पत्र में साफ शब्दों में लिखा था कि मेरे भाई में तो राजपूती खून उबाल मारना बंद कर दिया है, मैं ये देखना चाहती हूं कि संपूर्ण राजपूताने में नारी सम्मान के खातिर राजपूताना खून शेष बचा है या नहीं बचा है। अगर मेरी सहायता नहीं की जाती तो मैं ये समझूंगी कि एक हंसीनी बगुले के घर की शोभा बन सकती है और मैं आगरे तो नहीं पहुंचूंगी, उससे पहले जहर खा लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन मुझे औरंगजेब स्वीकार नहीं है, वो विधर्मी स्वीकार नहीं है। अब राज सिंह जी टेंशन में आ गए। राज सिंह जी ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक में जो है इस बात को रखा कि हमें एक राजपूत होने के नाते नारी सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, पर समस्या यह भी है कि हम अधीन होते हुए, मुगलिया सल्तनत के अधीन होते हुए भी बार बार हम कैसे मुगल सल्तनत के खिलाफ बात बात में बगावत कर सकते हैं। हमने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई, मुगलों ने कुछ नहीं बोला। हमने मंदिर बनवाए, मुगलों ने कुछ नहीं बोला। हमने जजिया नहीं दिया, मुगलों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब अगर हम कुछ करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वह औरंगजेब कोई ना कोई तो एक्शन लेगा। तो सारे सीनियर्स ने कहा, जो जितने भी सीनियर्स हैं उन्होंने कहा कि राजा हमें मुगलों से टक्कर नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन कुछ युवा जोशीले नौजवानों ने भी कहा कि हमें नारी सम्मान की मर्यादा के खातिर रक्षा करनी चाहिए, तो क्या किया जाए। बीच वाला रास्ता निकाला गया। इस कहानी, इस कंसेप्ट पर मैंने काफी रिसर्च किया, हालांकि पूरे फैक्ट्स तो मुझे नहीं मिले, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो मुझे नजर आए हैं वो फैक्ट्स मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। सुनिएगा आगे क्या हुआ। चारुमती डोली में बैठकर सीधा आगरे की तरफ रवाना हुई। डोली में बैठकर जब चारुमती आगरा की तरफ जा रही थी, किशनगढ़ से आगरा की तरफ, हाथ में जहर की शीशी थी, बार बार अपने कृष्ण कन्हैया को याद कर रही थी, पर उसे क्या पता
कि वर्तमान में यह द्वापर युग नहीं है कि कृष्ण कन्हैया द्रौपदी की इज्जत की लाज की खातिर उन्हें बचाने आ जाएंगे। बार बार डोली में बैठकर वो झांक कर देख रही थी कोई तो बचाने आए, लेकिन कोई अब तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। महाराणा राज सिंह जी को भी जो पत्र लिखा था उसका भी कोई मतलब नहीं निकला। बेचारी राजकुमारी क्या करें। चारुमती ने यह निश्चय कर लिया था कि वो आगरा पहुंचने से पहले वह जहर जरूर खाएगी। जब डोली आगे बढ़ रही थी, डोली समझते ना, राजकुमारी को बिठाने के लिए दो कहार जो हैं डोली लेके जाते हैं इस तरह से। राजकुमारी डोली में बैठकर जा रही थी, आगे और पीछे सैनिक टुकड़ी चल रही थी, दाएं बाएं भी कुछ सैनिक चल रहे थे। राजकुमारी बार बार पर्दे से बाहर निकलकर अपने कृष्ण कन्हैया को देख रही हैं, राज सिंह जी को निहार रही हैं कि कभी तो आए, काश वो आ जाएं। डोली आगे बढ़ी और एक संकरी घाटी में पहुंची। वो संकरी घाटी कहां थी ये तो मैंने नहीं पाया, लेकिन मैंने एक ऑथेंटिक पुस्तक के अंदर इसको पढ़ा है। मुझे उस पुस्तक, हाँ, नैणसिरी ख्यात मेरे पास में पूरी पड़ी हुई है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे से मांग सकता है, काफी इंटरेस्टिंग है, पढ़ सकता है। मैंने नैणसिरी की ख्यात पूरी पढ़ रखी है। नैणसिरी लिखते हैं कि डोली जो है संकरी घाटी में पहुंची। उस संकरी घाटी के अंदर आसपास जो दो सैनिक चल रहे थे ना, उन दो सैनिकों ने, मुगल सैनिकों ने अचानक जो है वह डोली पर हमला बोल दिया। बाकी मुगल सैनिकों को समझ ही नहीं आया कि उनके ही सैनिक उन पर हमला क्यों बोल रहे हैं। और जो दाएं चल रहा था एक सैनिक, उस दाएं चल रहे सैनिक ने जो है मुगल सैनिकों पर हमला बोला, और जो बाएं जो सैनिक चल रहा था, लेफ्ट साइड में जो सैनिक चल रहा था, उसने तुरंत चारुमती का हाथ पकड़ा और उठाकर अपने घोड़ी पर बैठा दिया और घोड़ी पर बैठाकर ले भागे। मुगल सैनिकों को समझ ही नहीं आया कि मुगल सैनिकों ने यह हरकतें क्यों की। दरअसल वो मुगल सैनिक नहीं थे जो दाएं बाएं चल रहे थे, एक था बड़ी सादड़ी का ठाकुर झाला शार्दुल सिंह। झाला शार्दुल सिंह बड़ी सादड़ी के ठाकुर साहब, और उनके साथ में थे नरू सौदा बारठ, एक चारण सरदार थे। इन दोनों ने उस डोली पर हमला किया, और जो बाएं जो सैनिक चल रहा था मुगल वेश में, वो खुद स्वयं एकलिंगनाथ के दीवान महाराणा राज सिंह थे, जो डोली के साथ साथ ही चल रहे थे। उन्होंने तुरंत हाथ पकड़ के राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठाया और घोड़े पर बिठाकर ले भागे सीधा सिटी पैलेस उदयपुर की तरफ। रास्ते में घोड़े पर बैठे बैठे, बहुत ही रोमांटिक अंदाज में लिखा है नैणसिरी साहब ने, कि घोड़े पर बैठे बैठे राज सिंह जी कह रहे थे चारुमती को कि राजकुमारी माफी चाहता हूं, इसके अलावा हमारे पास में कोई सहारा नहीं था, हम सीधे सीधे मुगलिया सल्तनत से टक्कर नहीं ले सकते थे, इसलिए हमें यह स्वांग रचाना पड़ा। आप मेवाड़ में जब तक चाहें मेहमान बन के सुरक्षित रह सकती हैं। चारुमती की नजरें राज सिंह जी के ऊपर से हट नहीं रही हैं, और वह लड़की कैसे कह दें कि मैं तो परमानेंट यहाँ रहने आई हूँ। उसने कुछ भी नहीं बताया राज सिंह जी को कि मैं तो यहाँ पे आपकी पत्नी बनने आई हूँ, कुछ भी नहीं बताया। सीधा जो चारुमती है वह सिटी पैलेस पहुंची, और सिटी पैलेस पहुंचकर राज सिंह जी की जो माता हैं, जिनका नाम था जनोद कंवर, जनोद कंवर को चरण स्पर्श करके चारुमती से कहा कि मासा, आपके पुत्र मुझे मेहमान बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं मेहमान बनने नहीं आई हूँ। जनोद कंवर समझ चुकी थी कि चारुमती दिल दे बैठी हैं राज सिंह को, तो चारुमती को जनोद कंवर ने राज सिंह जी को समझाया कि पुत्र इससे विवाह कर लें, तो राज सिंह जी ने चारुमती से विवाह रचा लिया। ठीक है, तो चारुमती का विवाह हो चुका था महाराणा राज सिंह से, यानी जो औरंगजेब की पसंद है चारुमती, अब वो राज सिंह जी की पत्नी बन चुकी थी। ठीक है, ऐसा का ऐसा एक और मैटर नैणसिरी ने लिखा है, लेकिन उसको पूरी तरह से अच्छे से नहीं लिखा है। एक और बताया गया है कि रूपनगढ़ की एक राजकुमारी थी रूपमती, उससे भी जो है औरंगजेब निकाह पढ़ना चाहता था जबरदस्ती, लेकिन महाराणा राज सिंह जी ने उसका भी अपहरण करके उससे विवाह कर लिया।
अब यार औरंगजेब भी सोच रहा है कि जिस लड़की पर नजर मेरी पड़ती है राज सिंह उठा के ले जाता है। अरे भाई साहब ये क्या है चक्कर है, ये रूपनगढ़ कहां है ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ एविडेंस मिलते जुलते हैं, शायद ये वर्तमान रेल मगरा जो है राजसमंद में, सॉरी चित्तौड़ में, यही रूपनगढ़ बताया जाता है। यहां की राजकुमारी थी रूपमती, उसका भी राज सिंह जी ने अपहरण किया था। तो चलिए लिखिए, अब तो औरंगजेब को एक्शन लेना ही पड़ेगा साहब। लिखिएगा चारुमती, हेडिंग डालिएगा चारुमती। मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम का क्रैक करना है तो फोकस ऑन लेडीज, रियल लाइफ में लेडीज पे फोकस नहीं करना है। लिखिएगा किशनगढ़ के राजा मानसिंह राठौड़ की बहन चारुमती, किशनगढ़ के राजा मानसिंह राठौड़ की बहन चारुमती जिससे औरंगजेब जबरदस्ती निकाह पढ़ना चाहता था, जिससे औरंगजेब जबरदस्ती निकाह पढ़ना चाहता था, जिससे औरंगजेब जबरदस्ती निकाह पढ़ना चाहता था, महाराणा राज सिंह ने चारुमती का अपहरण करके, महाराणा राज सिंह ने चारुमती का अपहरण करके उनसे विवाह कर लिया। महाराणा राज सिंह ने चारुमती का अपहरण करके उससे विवाह कर लिया। इससे नाराज औरंगजेब, इसी से औरंगजेब की जबरदस्त नाराजगी बढ़ी। एक और मैटर लिखिए, रूपनगढ़ की राजकुमारी रानी रूपमती का भी अपहरण महाराणा राज सिंह ने किया था। रूपनगढ़ की राजकुमारी, थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ सामने आएगा, सभी टीचर अच्छे होते हैं, सब लोग अच्छे होते हैं, बस यह है कि सबके पढ़ाने की शैली अलग अलग होती है। रूपनगढ़ की राजकुमारी रानी रूपमती का भी अपहरण राज सिंह ने किया था। ठीक है साहब, अब साथियों देखिए, महाराणा राज सिंह और औरंगजेब की दुश्मनी के कई कारण हैं। उन कारणों में मैंने सारे कारणों के बारे में एक एक करके प्रकाश डाला है, तो अब तो औरंगजेब को कम से कम आना ही चाहिए मेवाड़ पर हमला करने के लिए, क्योंकि बार बार औरंगजेब को चुनौती दी है राज सिंह ने, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब औरंगजेब अपने आप को तथाकथित बहुत ताकतवर बादशाह समझता है, तो कम से कम अब तो मेवाड़ के खिलाफ उसे एक्शन लेना ही चाहिए। और अगर एक्शन नहीं लेता है तो मेरे जैसे लोग और आपके जैसे लोग समझेंगे कि वो सूखी दादागिरी थो तो चढ़ो बाजे गढ़ो, वो वाली बात है। तो आखिरकार औरंगजेब ने अब निश्चय कर ही लिया था। अब ध्यान से सुनिएगा स्टोरी, इससे भी बड़ी भयानक स्टोरी सामने आने वाली है। औरंगजेब ने निश्चय कर लिया था कि अब राज सिंह को वो किसी भी सूरत हाल में नहीं बख्शेगा। एक बात बता दूं, औरंगजेब ने अपनी लाइफ में स्वयं के नेतृत्व में कहीं पर भी सैनिक अभियान नहीं किया, लेकिन औरंगजेब ने मेवाड़ के विरुद्ध स्वयं सैनिक अभियान जरूर किया था। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी की महाराज के विरुद्ध भी जो है दक्षिण में स्वयं नहीं गया, अपने सेनापतियों को भेजा, जैसे जयसिंह को भेजा, जैसे आपने तानाजी फिल्म में देखा होगा उदय भान को भेजा, लेकिन औरंगजेब ने कभी भी
मेवाड़ के अतिरिक्त स्वयं कहीं पर भी सैनिक अभियान नहीं किया। इसी से पता चल सकता है कि राज सिंह कितने ताकतवर व्यक्ति थे। औरंगजेब ने तय किया कि अब मेवाड़ का वो नामोनिशान मिटा देगा, इसलिए औरंगजेब ने निर्णय लिया कि वो मेवाड़ को घेरेगा, वो भी चार मार्गों से। देबारी घाट वर्तमान उदयपुर में, उस ओर से मेवाड़ को घेरेगा। गोरम घाट वर्तमान में राजसमंद और उदयपुर के बीच में। इसके अलावा देसूरी की नाल वर्तमान पाली में, और इसके अलावा राजनगर घाट वर्तमान राजसमंद में। ये मेवाड़ में प्रवेश करने के चार मार्ग हैं। उदयपुर को कहा जाता है गिरवा का मतलब होता है पहाड़ियों से गिरा हुआ प्रदेश, और मेवाड़ में किसी भी आप एंगल से प्रवेश करें उदयपुर के अंदर, आपको किसी न किसी दर्रे से प्रवेश करना होता है। इसलिए औरंगजेब ने तय किया कि वो चार मार्ग से मेवाड़ को घेरेगा, ठीक है। और इसमें औरंगजेब अकेला नहीं, उसके साथ में वह स्वयं फौज लेकर आ रहा है। औरंगजेब के साथ में उसका सेनापति हसन अली खान। यही हसन अली खान जो है वह चारुमती को लेने के लिए किशनगढ़ गया था। इसके साथ साथ में एक और है तहव्वुर खान। गोरम घाट से जो है वह औरंगजेब का सबसे बड़ा शहजादा आजम खान। इसके अलावा मारवाड़ का इंदर सिंह राठौड़, जो कि अजीत सिंह के सौतेले भाई हैं, अमर सिंह राठौड़ के पुत्र हैं। अमर सिंह राठौड़ वही मतीरे की राड वाले। इसके अलावा राम सिंह जो कि है आमेर के राजा हैं, मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र। देसूरी घाट से औरंगजेब का सहजादा चौथे वाला अकबर खान। और राजनगर घाट से आक्रमण करना था औरंगजेब के सेकंड वाले सहजादे मुअज्जम खान, और इसके अलावा कमबख्श खान। औरंगजेब के ये चार सहजादे थे। सबसे बड़ा सहजादा था आजम, सेकंड वाला था मुअज्जम, थर्ड वाला था कमबख्श, और चौथे वाला था अकबर खान। ये औरंगजेब के चार सहजादे थे। इन्होंने तय कर लिया कि वह मेवाड़ पर हमला करेंगे चारों मार्ग से, जो कि प्रवेश मार्ग है। अकबर टू नहीं कहेंगे साथियों इसको, क्योंकि अकबर टू तो उसको कहा जाएगा जो वास्तव में बादशाह बना हो, लेकिन अकबर खान बादशाह नहीं बना, इसलिए अकबर सेकंड नहीं कहा जाएगा। यह सिर्फ औरंगजेब का सहजादा है, चौथे वाला सहजादा ही रहने दो, ठीक है। ये चार मार्ग से मेवाड़ को घेरने की पूरी तरह से प्लानिंग है। महाराणा राज सिंह को जब औरंगजेब के इरादे समझ में आ गए, तो उन्होंने भी महाराणा प्रताप की तरह ही रणनीति पर काम किया। महाराणा राज सिंह ने सबसे पहला जो काम किया, महाराणा प्रताप की रणनीति पर औरंगजेब के खिलाफ युद्ध करना है तो महाराणा राज सिंह को महाराणा प्रताप की रणनीति पर काम करना पड़ेगा। और राज सिंह जी ने रणनीति क्या अपनाई, उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करना चाहा। उन्होंने भी मेवाड़ की जनता को आदेश दिया कि वह पहाड़ियों में जाकर बस जाएं, कोई भी मैदानी इलाकों में खेती नहीं करेगा। अगर किसी ने मैदानी इलाके में खेती की तो वह राजद्रोह का भागी होगा, पहला काम। दूसरा, राज सिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में, राज सिंह जी को पता था कि औरंगजेब अपनी फौज लेकर आएगा तो सबसे पहले वह किशनगढ़ को निशाना बनाएगा, क्योंकि औरंगजेब के नजरिए से किशनगढ़ खतरे में क्यों पड़ा है,
राज सिंह जी की वजह से। इसलिए किशनगढ़ को सबसे पहले वो निशाना बनाएगा, इसलिए राज सिंह जी ने किशनगढ़ की रक्षा का उपाय ढूंढा, किशनगढ़ की रक्षा, क्योंकि किशनगढ़ किसकी वजह से खतरे में है, राज सिंह जी की वजह से खतरे में है। इसलिए किशनगढ़ की रक्षा करना राज सिंह जी का प्रथम दायित्व है। इसलिए राज सिंह जी ने स्वयं निर्णय लिया कि किशनगढ़ की रक्षा के लिए वे स्वयं जाएंगे, स्वयं जाने का निर्णय लिया। जब उन्होंने सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर जब किशनगढ़ की रक्षा की भार और उसकी जिम्मेदारी का स्वयं बीड़ा उठाया, तो ऐसे वक्त में सलुम्बर के एक ठाकुर साहब थे, ध्यान से सुनिएगा, एडवांस मत भागिएगा क्योंकि आपने आधा अधूरा इतिहास पढ़ा है। सलुम्बर के एक ठाकुर साहब थे जिनका नाम था रूप सिंह चुंडावत। उन्होंने कहा महाराणा राज सिंह से कि दाता हुकम, माफी चाहता हूं आपसे, आपने किशनगढ़ की रक्षा का भार स्वयं उठाने का निर्णय कैसे ले लिया, ये काम सलुम्बर ठिकाने का है। तो राज सिंह जी ने रूप सिंह चुंडावत को उत्तर दिया कि माफ करें ठाकुर साहब, लेकिन किशनगढ़ मेरी वजह से खतरे में है, तो रक्षा करना तो मेरा ही बनता है, और वैसे भी आप बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको युद्ध भूमि में नहीं भेज सकता। जो ही शब्द रूप सिंह चुंडावत को कहा कि आप बुजुर्ग हो चुके हैं, सीधा रूप सिंह ने तलवार निकाली राज सिंह के सामने और कहा कि दाता हुकुम, आप सलुम्बर ठिकाने का अपमान कर रहे हैं। मेरा ठिकाना बूढ़ा नहीं हुआ, बुजुर्ग नहीं हुआ है, मैं बुजुर्ग जरूर हुआ हूं। इस युद्ध का नेतृत्व सलुम्बर ठिकाना ही करेगा। अब तुरंत उन्होंने घोषणा कर दी कि सलुम्बर ठिकाने की बागडोर मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप रहा हूं। राज सिंह जी ने कहा दाता हुकुम पधारिए, आपका हक कोई नहीं छीन रहा है, ठीक है जाइए आप, लेकिन आपको गोरम घाट के रास्ते से प्रवेश करना पड़ेगा किशनगढ़ की तरफ, क्योंकि मुगल फौज वहीं से आएगी। तो तुरंत महाराणा राज सिंह ने अपने एक साथी झाला सारदुल सिंह को, जो कि बड़ी सादड़ी के ठाकुर थे, जो चारुमती के अपहरण में भी साथ में थे, उनको सलुम्बर भेजा कि आप सलुम्बर जाइए और नए वाले ठाकुर साहब को कहिए कि युद्ध भूमि के लिए आपको रवाना होना है, ठीक है। तो झाला सारदुल सिंह तुरंत महाराणा राज सिंह का पत्र लेकर रवाना हुए रात को सलुम्बर ठिकाने की ओर, और सलुम्बर जब पहुंचे तो सुबह होने वाली थी। उस वक्त में सलुम्बर के नए ठाकुर साहब जो हैं वह सो रहे थे, अर्ली मॉर्निंग, सूर्योदय नहीं हुआ था, सो रहे थे सलुम्बर के ठाकुर साहब। तो सोते सोते सलुम्बर के ठाकुर साहब को झाला सारदुल सिंह ने जगाया नहीं, नए ठाकुर साहब सो रहे थे, जगाया नहीं, क्योंकि ठाकुर साहब भी काफी लंबी यात्रा करके लौटे थे, नई नई शादी करके आए थे, अभी सुहागरात भी होनी बाकी थी, हाथों की मेहंदी अभी तक रानी सा की उतरी नहीं थी। ऐसे वक्त में अपनी नई नवेली दुल्हन जो है वह अपने पति को जगाने के लिए सीधा महल में प्रवेश कर लेती है, लेकिन झाला सारदुल सिंह को वहां बैठा हुआ देख रानी सा हुकुम थोड़ा पीछे हट जाते हैं नई नवेली दुल्हन, और तुरंत नए ठाकुर साहब की आंख खुल जाती हैं और अपनी रानी सा को सामने देखकर वो मुस्कुराने लगते हैं, और कुछ कहें उससे पहले रानी सा ने इशारा किया कि मेरे से पहले आपके मित्र आ रखे हैं यहां पर, झाला सारदुल सिंह जी। तो झाला सारदुल सिंह को नए ठाकुर साहब ने देखा, चुंडावत साहब ने, और देख के मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ठाकुर साहब यहां सुबह सुबह, मजाक की, क्योंकि अच्छे दोस्त थे, दोनों मित्र थे, मजाक किया और कहा कि दाता हुकुम आप जो है इतना सुबह सुबह यहां पर हुकुम, क्या भाभी ने घर से निकाल दिया है क्या। तो हमेशा हंसी ठिठोली करने वाले झाला सारदुल सिंह शांत थे, उन्होंने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तुरंत झाला सारदुल सिंह ने ठाकुर साहब को, सलुम्बर के ठाकुर साहब को वो पत्र पकड़ाया और कहा कि हे वीरवर, जितना जल्दी हो सके आप
जो है वह युद्ध भूमि के लिए तैयार रहें। और इतना कहकर झाला शार्दुल सिंह जो है वापस लौट गए। जब नए ठाकुर साहब ने वो पत्र पढ़ा जिसमें राज सिंह का पत्र था, इसमें लिखा हुआ था, हे वीरवर, आपको जो है गोरम घाट के रास्ते से किशनगढ़ की रक्षा करनी है और हमेशा की तरह हरावल दस्ते का नेतृत्व करना है। आपको आजम खान यानी मुगल शहजादे, इंदर सिंह यानी मारवाड़ और राम सिंह यानी आमेर की फौज का सामना करना है। सामने नई नवेली दुल्हन थी उनकी और एक तरफ देश का बुलावा। चुंडावत साहब को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। नई रानी सा समझ चुके थे कि चुंडावत साहब का, रावत साहब का जीव जो है वह युद्ध भूमि में नहीं लग रहा है। बड़े आधे अधूरे मन से वो वहां से रवाना हुए। रवाना होते होते ठाकुर साहब जो है, चुंडावत साहब, वे जो है आगे बढ़े, अपने महल से बाहर निकले और बार बार घोड़े से पीछे मुड़कर देख रहे थे। नई नवेली रानी सा झरोखे में खड़ी थी। थोड़ा आगे बढ़े और अपने एक साथी यदु सिंह को कहा, यदु सिंह को कहा कि आप इसी वक्त सलुम्बर जाइए और रानी सा से कहिएगा कि आप उन्हें भूलना मत, वे जरूर वापस आएंगे लौट के। तो यदु सिंह चुंडावत साहब का संदेशा लेकर वापस सलुम्बर ठिकाने में पहुंचे और रानी सा हुकुम से कहा कि हुकुम ने फरमाया है कि वो वापस जरूर लौट के आएंगे, आप उन्हें भूलना मत। यदु सिंह जी वापस लौट आए। चुंडावत साहब थोड़ा और आगे बढ़े, आधे रास्ते तक आ चुके थे। फिर से यदु सिंह को कहा कि रानी सा को कहना कि उन्हें भूलना मत, पांचों आऊं वापस आऊंगा। तो यदु सिंह वापस सलुम्बर पहुंचे और रानी सा से कहा कि हुकुम ने कहा है कि आप उन्हें भूलना मत, वो वापस जरूर लौट के आएंगे। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े, इवन दैट गोरम घाट तक पहुंच चुके थे जहां से मुगल फौज किशनगढ़ को तोड़ मरोड़ कर जो है वह उस रास्ते से मेवाड़ में प्रवेश कर सकती थी। वहां तक पहुंच गए, सामने मुगल फौज खड़ी थी। फिर से चुंडावत साहब ने यदु सिंह को संदेशा भिजवाया और यदु सिंह जी को कहा कि रानी सा को कहना कि उन्हें भूलना मत, पाचों आऊं वापस आऊंगा, उन्हें भूलना मत और हो सके तो एक निशानी लेकर आना। यदु सिंह जी वापस आए सलुम्बर ठिकाने में गोरम घाट से और सलुम्बर ठिकाने में पहुंचकर रानी सा से कहा कि हुकुम ने कहा है कि वो वापस जरूर लौटेंगे, आप उन्हें भूलना मत, और हुकुम ने जो है एक निशानी मंगाई है। रानी सा समझ चुके थे कि हुकुम का जीव युद्ध में नहीं लग रहा है और मेवाड़ की हार निश्चित है, चुंडावतों की इंसल्ट निश्चित है। इसलिए रानी सा ने यदु सिंह जी को कहा कि आप बिराजिए, मैं निशानी लेकर आती हूं। रानी सा अंदर गई और रानी सा ने एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर अपनी दासी लीला दासी को पकड़ाया। लीला दासी को कहा कि यह पत्र मैं तुझे दे रही हूं और निशानी भी दे रही हूं और इस निशानी को दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करके यदु सिंह जी को दे देना और यदु सिंह जी को कहना कि इस पत्र को और निशानी को उनके पति ही देखें। इतना कहकर उस महान वीरांगना ने तलवार उठाई और दे मारी सीधी गर्दन पर धड़ से अलग। चीख पड़ी लीला दासी, रोते बिलखते लीला दासी ने उस मस्तक को दुल्हन की तरह श्रृंगार करवाया और श्रृंगार करवा के सीधा उस पर चूंदड़ उड़ाके यदु सिंह को सौंप दिया और यदु सिंह को रोते रोते कहा कि रानी सा का हुक्म है कि उनकी निशानी उनके पति ही देखें और यह पत्र भी उन्हें सौंप देना। यदु सिंह को पता तो था कि अनहोनी कुछ ना कुछ तो हुई है, लेकिन यह अनहोनी क्या हुई है यह यदु सिंह अच्छे से नहीं जानते थे। वो थाल भरकर यदु सिंह तेजी से दौड़े सीधा गोरम घाट की तरफ और गोरम घाट जाकर
उनके पतिदेव रतन सिंह चुंडावत को वो पत्र सौंपा और वो निशानी भी दे दी। पत्र पढ़ा रतन सिंह ने, उसमें लिखा था कि हे वीरवर, आपको मैं कभी भूल नहीं सकती, आपका मैं इंतजार स्वर्ग में कर रही हूं, इंद्राणियों के साथ में युद्ध में विजयी होके लौट आइएगा मेरे साथ स्वर्ग में, मैं इंद्राणियों के साथ आपका वही इंतजार कर रही हूं। वो निशानी देखी, रतन सिंह चुंडावत बावड़े हो चुके थे, उसी चूंदड़ से उन रानी सा का मस्तक बांधकर अपने गले में लटकाकर टूट पड़े। आजम खान, इंदर सिंह और राम सिंह पर इतना बुरा मारा इनको, इतना बुरा मारा गोरम घाट में, धोती पकड़ के भागे सारे के सारे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी फौज थी ये। युद्ध में विजयी होने के बाद में गर्दन लटक रही है गले में, रतन सिंह चुंडावत तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए अपने सलुंबर ठिकाने की तरफ पहुंचे, अपने रानीसा की तरफ। लेकिन सलुंबर किले के द्वार पर पहुंचे तब उन्हें ख्याल आया कि रानीसा तो अभी जीवित नहीं है, तो सलुंबर किले के द्वार पर ही उनके प्राण निकल चुके थे। इसलिए उन्हें कहा जाता है, इन्हीं की जो पत्नी थी जो कि हाड़ा वंश से थी, नाम था उनका सहल कंवर, संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री, कहीं कहीं पर उन्हें इंद्र कंवर भी लिखा गया है। इंद्र कंवर इसलिए लिखा गया है क्योंकि उन्होंने स्वयं ही लिखा था कि इंद्राणियों के साथ में मैं स्वर्ग में आपका इंतजार कर रही हूं। तो एक युद्ध का पड़ाव मैंने आपको यह बता दिया, ठीक है। अब युद्ध का नेक्स्ट पड़ाव मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ऐसे युद्ध बहुत हुए हैं, आप एक काम करिए, इसको आप नोट कर लीजिए, जो आउटलाइन आपके सामने बनी हुई है ना उसको नोट कीजिए, फिर आगे वाली स्टोरी मैं आपको और समझाता हूं, फिर लिखवाता हूं। एक बार इस आउटलाइन को नोट कीजिए, कहां कहां कौन कौन से मोर्चे पर कौन कौन आया था युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है साहब, एक बार इसको नोट कीजिए। देबारी घाट उदयपुर में औरंगजेब हसन अली खान तहवुर खान आया था, गोरम घाट में आजम खान और इंदर सिंह और राम सिंह आए थे, देसुरी घाट में अकबर खान आया था और राजनगर घाट में मुअज्जम खान और कमबख्श खान आया था। एक बार नोट कीजिए, फिर आगे अभी तो देखो, ये तो मैंने आपको एक युद्ध का सीन बताया है, अभी देवारी घाट बाकी है, देसुरी घाट बाकी है, राजनगर घाट बाकी है, ध्यान रखना। चार मोर्चों पर यह लड़ाई लड़ी गई थी, जो हल्दी घाटी से भी बड़ी खतरनाक लड़ाई थी, और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो आप हाड़ी रानी पे फोकस करना, बाकी किसी चीज पे फोकस मत करना। नोट कर लिया होगा होपफुली आपने। क्या पता राजकुमार जी, ताकत कैश ऑन डिलीवरी बुक पे होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं पता। चलिए, तो नोट कर लिया होगा। अब आप है ना, मेन यहां पे चीज क्या है, देखिए ये युद्ध से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाड़ी रानी, हाड़ी रानी, ठीक है। तो वहां पे हमने चारुमती को टारगेट किया था और यहां पर चारुमती का टॉपिक टारगेट किया था और यहां पर हम हाड़ी रानी का टॉपिक टारगेट करेंगे। तो हेडिंग डालिए हाड़ी रानी, हाड़ी रानी का घटनाक्रम। मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस वंश से हैं उसी नाम से उसे जाना जाता है, जैसे कि हाड़ी रानी सा, देवड़ी रानी सा, ऐसे। हेडिंग डालिए हाड़ी रानी, लिखिए बूंदी के शासक संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री, बूंदी शासक संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री, सलुंबर के ठाकुर रतन सिंह चुंडावत की पत्नी, सलुंबर के ठाकुर रतन सिंह चुंडावत की पत्नी,
बूंदी के शासक संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री, बूंदी शासक संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री, सलुम्बर के ठाकुर रतन सिंह चुंडावत की पत्नी, इन महान वीरांगना का वास्तविक नाम, इन महान वीरांगना का नाम वास्तविक नाम इन महान वीरांगना का वास्तविक नाम सहल कंवर या इंद्र कंवर था। सहल कंवर या इंद्र कंवर था। इन्हें इंद्र कंवर क्यों कहा जाता है समझ में आ चुका होगा आपको, कहीं कहीं पे इंद्र कंवर भी लिखा हुआ है इनको। सहल कंवर या इंद्र कंवर नाम था। इन्होंने अपने पति रतन सिंह चुंडावत को निशानी के तौर पर अपनी गर्दन काटकर यदु सिंह के हाथों भिजवाई थी। यदु सिंह के हाथों अपने पति को भिजवाई थी गर्दन काटकर। नेक्स्ट लाइन, रतन सिंह चुंडावत गोरम घाट के रास्ते से किशनगढ़ की रक्षा के लिए गए थे। यदु सिंह के साथ भिजवाई थी गोरम घाट के रास्ते से किशनगढ़ की रक्षा के लिए गए थे। आजम खान कोष्टक मुगल, इंदर सिंह कोष्टक मारवाड़, राम सिंह कोष्टक आमेर किशनगढ़ की रक्षा के लिए गोरम घाट से गए थे। आजम खान कोष्टक मुगल, इंदर सिंह कोष्टक मारवाड़, राम सिंह कोष्टक आमेर तीनों की संयुक्त सेना को परास्त कर लिया था। कौन सी सेना ने? चुंडावतों की सेना ने तीनों सेना को परास्त कर लिया था, संयुक्त सेना को। देखिए, ये डायग्राम देखने के बाद में आपको अंदाजा लग चुका होगा कि ये कितनी विशाल फौज थी। मुगल, मारवाड़, आमेर सब के सब मिलकर मेवाड़ पर टूट पड़े थे। क्या लगता है हल्दी घाटी से चार गुना बड़ा युद्ध है या नहीं है? सही में बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाराणा राज सिंह, यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा टॉपिक, क्योंकि पूरा युद्ध मुझे बताना है यहां पर। देखें, महाराणा राज सिंह जो है वे राजनगर घाटे से मुगल फौज का सामना करने के लिए गए थे। और देश गोरम घाट से कौन गए थे? रतन सिंह चुंडावत। ठीक है। और देवारी घाट से फौज का सामना किया था झाला शार्दुल सिंह, झाला, और इनके साथ में नरू सौदा बारठ और लक्ष्मण सिंह शक्तावत, ठीक है। तो ये मोर्चे थे लगभग। ठीक है साहब, अब मैं थोड़ा सा इस मोर्चे की बात कर लेता हूं। देखिए, महाराणा राज सिंह ने जब औरंगजेब के खिलाफ जो है युद्ध की तैयारियां कर दी थी, उसी समय मारवाड़ से, आपको पता होगा अगर थोड़ा बहुत आप में वो हिस्ट्री वाला ज्ञान है जो आप इधर उधर बिखेरते रहते हो ना और एडवांस में बोलते रहते हो ना, तो थोड़ा ज्ञान होगा आप में। आपको पता होगा कि मारवाड़ में भी इसी औरंगजेब ने उंगली कर रखी थी भयंकर वाली।
मारवाड़ में शासक थे महाराजा जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह की मृत्यु जो है वह स्वर्गवास हुआ था जमरूद अफगानिस्तान में 1668 को। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में उनके बेटे अजीत सिंह को राजा स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। अजीत सिंह को औरंगजेब ने मारवाड़ का शासक स्वीकार नहीं किया था, यह तो पता होगा ना आपको, ठीक है। और जसवंत सिंह के जो बड़े भाई है अमर सिंह राठौड़, वही मतीरे की राड वाले, अमर सिंह राठौड़ के बेटे इंदर सिंह को मारवाड़ सौंप दिया था। इंदर सिंह को औरंगजेब ने मारवाड़ दे दिया था, और यही इंदर सिंह जो है वह लड़ने के लिए गोरम घाट के रास्ते से आया था औरंगजेब का साथ देने के लिए, समझ गए ना, ठीक है। तो अजीत सिंह को मारवाड़ दिलाने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने संघर्ष किया था, यह स्टोरी हम मारवाड़ में अच्छे से देखेंगे। तो दुर्गादास राठौड़ ने जो संघर्ष किया था, तो दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर मेवाड़ आ गए थे, ठीक है। और मेवाड़ आ गए थे दुर्गादास, और दुर्गादास राठौड़ भी राज सिंह जी के साथ में मिल गए थे, और इन्हीं अजीत सिंह जी को राज सिंह जी ने जो है अजीत सिंह को राज सिंह जी ने देवगढ़ की जागीर दी थी, देवगढ़ वर्तमान राजसमंद में, ठीक है। तो दुर्गादास राठौड़ भी इसी पक्ष में आ गए थे, ओके, समझ गए यहां तक। तो महाराणा राज सिंह को यह अच्छी तरह से पता था कि औरंगजेब जो है वह राजनगर घाटे से प्रवेश करेगा मेवाड़ में, क्योंकि अभी तक और मुगलों की प्लानिंग क्लियर नहीं थी। यह प्लानिंग जरूर थी कि मेवाड़ को वो चार ओर से घेरेंगे, लेकिन यह प्लानिंग में शामिल नहीं था कि वह एग्जैक्टली राजनगर घाटे से आएगा, कहां से आएगा। लेकिन राज सिंह जी को पूरा शक था कि औरंगजेब राजनगर घाटे से आएगा, क्योंकि उसे श्रीनाथ जी का मंदिर निशाना बनाना है। इसलिए राज सिंह जी ने तय किया कि वो औरंगजेब का सामना राजनगर घाट से करेंगे, लेकिन औरंगजेब ने लास्ट मोमेंट में प्लानिंग बदल दी और वो देवारी घाट से आ गया हसन अली खान और तहवूर खान के साथ में, समझ गए। जब गोरम घाट में रतन सिंह चुंडावत रोकने के लिए गए थे, प्लानिंग समझ में आई युद्ध की, ठीक है। साथ ही साथ राज सिंह जी को दुर्गादास भी साथ में मिल गए थे। दुर्गादास तो आप जानते हो, राठौड़ों के अपलातून, फितना, अणबीतियो मोती। दुर्गादास राठौड़ ने राज सिंह जी को कहा कि हमें इस युद्ध के साथ में थोड़ा सा थोड़ा पॉलिटिक्स पे भी काम करना चाहिए, रणनीति पे भी काम करना चाहिए। औरंगजेब के जितने भी ये सहजादे हैं ना, आजम खान, मुअज्जम खान, कमबख्श खान और अकबर खान, ये चारों सहजादे औरंगजेब से काफी नाराज हैं और हमेशा नाराज रहते हैं। औरंगजेब से कोई प्यार नहीं करता था और औरंगजेब भी सबसे नफरत करता था, ठीक है। तो जैसे झाड़ वैसे पार्टी है। तो ऐसी कंडीशन में दुर्गादास राठौड़ ने राज सिंह जी को समझाया कि हम क्यों ना इस फूट का फायदा उठाएं। और इन सहजादों को एक समस्या और भी थी, समस्या इस बात की भी थी कि औरंगजेब इस युद्ध में अपने पूरे परिवार को लेकर आया था, अपनी दासियों को, कनीजों को लेकर आया, अपने फैमिली को लेकर आया, अपनी लुगाई को लेकर आया, लेकिन किसी भी सहजादे को कनीजे लाने नहीं दी, दासियां लाने नहीं दी। इस कारण से भी ये सारे सहजादे नाराज थे। तो राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ अकबर खान की फौज का स्वागत करने के लिए नाडोल पहुंचे, नाडोल पहुंचे अकबर खान की सेना का स्वागत करने के लिए, कौन, राज सिंह और दुर्गादास। और अकबर खान का नाडोल में ही पाली में राजतिलक कर दिया और कहा राज सिंह और दुर्गादास ने कि आपके पिता को तो हम बादशाह मानते नहीं, आप हमारे बादशाह हो, ठीक है। चौड़ा हो गया अकबर खान, हमें बादशाह घोषित कर लिया, दो बड़ी बड़ी रियासतों ने खतरनाक। तो अकबर खान ने वायदा किया कि वह देसूरी घाट से आक्रमण न करके वह राज सिंह के साथ में मिल जाएगा राजनगर घाट में। तो इन्होंने पॉलिटिक्स करके देसूरी घाट के आक्रमण को तो टाल दिया था, ठीक है साहब। होपफुली आपको प्लानिंग समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद में औरंगजेब जो है वह देवरी घाट से पहुंचा
और देवारी घाट में उसने तहवुर खान के नेतृत्व में अपने परिवार को वहीं छोड़ा। और स्वयं औरंगजेब जो है, देखिए औरंगजेब जो है तहवुर खान को कहता है कि वो यहीं रुक जाएं देवारी में, ठीक है, और यहां के मंदिरों को निशाना बनाएं। और वो स्वयं जो है वह राजनगर घाटे की तरफ बढ़ा, मतलब देवारी होते हुए वो राजनगर की तरफ आया। और इधर राज सिंह जी जो हैं वो ऑलरेडी सामना कर ही रहे थे, राज सिंह और दुर्गादास राजनगर घाटे में, ठीक है। साथ में औरंगजेब ने अपने एक और सेनापति हसन अली खान को, औरंगजेब ने जगदीश मंदिर तोड़ने की तरफ भेजा कि वो जगदीश मंदिर तोड़े, ठीक है। तो जगदीश मंदिर की सुरक्षा के लिए झाला शार्दुल सिंह और नरू सौदा बारठ अपने 20 योद्धाओं के साथ जगदीश मंदिर की रक्षा करने के लिए गए, 20 योद्धा। और हसन अली खान के पास में लगभग 6,000 से 7,000 घुड़सवार थे जो जगदीश मंदिर तोड़ने के लिए आया। और इधर औरंगजेब जो है वह राजनगर घाटे की तरफ बढ़ा सिन्हा जी का मंदिर तोड़ने के लिए, जहां दुर्गादास और राठौड़ और राज सिंह जो है वह मुअज्जम खान और कमबख्श खान की फौज का सामना कर रहे हैं, जिसमें अकबर खान भी राज सिंह जी के साथ में है। समझ गए भाई साहब? अब मैं आपको 3 मोर्चे बताता हूं। पहला काम, हसन अली खान और झाला शार्दुल सिंह और नरू सौदा बारठ के 20 योद्धा जो हैं जगदीश मंदिर के चारों तरफ खाट डाल के सो गए। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेवाड़ में एक अनोखा युद्ध होता है, माछा तोड़, मतलब खटिया तोड़ युद्ध। जगदीश मंदिर को चारों तरफ से झाला शार्दुल सिंह और नरू सौदा बारठ के नेतृत्व में 20 योद्धा खटिया डाल के सो गए। आओ देखे कोई, आप यकीन करेंगे 6,000 से 7,000 घुड़सवार थे हसन अली खान के पास में, लेकिन किसी को जगदीश मंदिर के अंदर इन 20 योद्धाओं ने एंटर तक होने नहीं दिया, जिसके बारे में जगदीश मंदिर प्रशस्ति में साफ वर्णन मिलता है, लेकिन इतिहासकारों ने उस वर्णन को कहीं किताबों में नहीं डाला। सोचने योग्य बात है ये। इधर तहवुर खान को, जिसके पास में औरंगजेब का परिवार था, उसकी फैमिली थी, उस परिवार को लक्ष्मण सिंह शक्तावत ने गिरफ्तार कर लिया तहवुर खान को मारकर, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद में जब औरंगजेब राजनगर की तरफ बढ़ा ना, तो उसने श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। यह उसी समय की बात है जब भगवान श्रीनाथ का मंदिर ये औरंगजेब तोड़ना चाहता था, तब यहां के लोकल पुजारी आज भी बताते हैं कि श्रीनाथ जी के मंदिर के ऊपर जो हीरा लगा हुआ था उसको औरंगजेब लेना चाहता था, लेकिन औरंगजेब जो ही मूर्ति के सामने देखता तो अंधा बन जाता, पीछे मुड़ के देखता तो वापस उसको दिखने लगता, श्रीनाथ जी में इतना चमत्कार था। लेकिन यह बड़ी हास्यास्पद बात लगती है मुझे। क्यों लगती है हास्यास्पद बात? क्योंकि श्रीनाथ जी में अगर मंदिर में उसी समय इतना चमत्कार हुआ होता, तो आप जरा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, ये मंदिर वही है ना जो वृंदावन से तोड़ा था। तो वृंदावन में जब ये मंदिर तोड़ा था तब श्रीनाथ जी ने चमत्कार नहीं दिखाया, यहां कैसे चमत्कार दिखा दिया? ये चमत्कार वो नहीं था, ये चमत्कार ये था कि लक्ष्मण सिंह शक्तावत ने औरंगजेब के परिवार को देवारी घाट में गिरफ्तार कर लिया था, और राज सिंह जी ने औरंगजेब को संधि करने पर विवश किया। औरंगजेब को कहा राज सिंह ने कि अपने परिवार की जान छुड़ाना चाहता है तो यहां से चला जा चुपचाप, उसकी बेगम, उसकी पोती सफियतुन्निसा हत्या चढ़ गई थी लक्ष्मण सिंह शक्तावत के, औरंगजेब की बेगम जिसे जिनके नाम पर बीबी का मकबरा है, आपने नाम सुना होगा,
औरंगजेब की बेगम का दिलरास बानू, जिसे दिलरास बानू जिनकी याद में बीवी का मकबरा बना हुआ है, उसको गिरफ्तार कर लिया था लक्ष्मण सिंह ने। इसलिए औरंगजेब लौटा और श्रीनाथ जी के मंदिर को हाथ नहीं लगाया। राज सिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा औरंगजेब को कि आगरे पहुंचने से पहले तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल जाएगा। तो औरंगजेब ने भी शर्त रखी राज सिंह के सामने कि मैं एक शर्त पर आगरे लौटूंगा, क्या? ये गद्दार मेरे हवाले करो अकबर खान, ये गद्दार मेरे हवाले करो। तो राज सिंह जी ने कहा ले जाओ अपनी औलाद को। अकबर खान भारी वाली टेंशन में आ गया कि राज सिंह धोखा क्यों कर रहे हैं, और इस बात से दुर्गादास राठौड़ भी नाराज हुए थे। दुर्गादास राठौड़ ने कहा राज सिंह को कि आप इस तरह से अकबर खान के साथ में ऐसा नहीं कर सकते। तो राज सिंह जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मुझे मेरे मेवाड़ से मतलब है, मुझे मेरे मेवाड़ की रक्षा करनी है, ऐसे शहजादों पर मैं कोई भरोसा नहीं करता, इसके चक्कर में मैं मेवाड़ को खतरे में नहीं डाल सकता, इसको जहां जाना है जाए। अकबर खान फूट फूट के रोया वहां पे कि अब अब्बू मुझे जरूर मारेगा। इसलिए अकबर खान ने मेवाड़ से भागने से पहले राज सिंह जी ने साफ कह दिया था कि मेवाड़ में है जब तक इसको हाथ कोई नहीं लगाए, उसके बाद में तुम तुम्हारे परिवार का जानो। अकबर खान ने भागते भागते दुर्गादास को अपनी पुत्री सफियतुन्निसा और अपना बेटा अकबर खान बुलंद अख्तर दुर्गादास के हवाले किए थे, और दुर्गादास इनके संरक्षक बने थे। ये तो सारी कहानियां पता होगी ना, रट्टा मार रखा है सबने, रट्टाफिकेशन मार रखा है। और इसी अकबर खान को दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के हाथों अकबर खान को औरंगजेब ने मरवा दिया था, और औरंगजेब की पोती अकबर खान की बेटी सफियतुन्निसा हमेशा दुर्गादास अपने दुर्गा बाबा के पास में रहती थी। ठीक है, अब आप इस तरह से अंदाजा लगा लो कि यह लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बहुत बड़ी लड़ाई थी, और यह अलग अलग टुकड़ों में लड़ाई थी। अब मुझे बताइए कि आपको राज सिंह बेटर लगते हैं, या उनका युद्ध बेटर लगता है, या आपको महाराणा प्रताप और उनका हल्दी घाटी बेटर लगता है? आपको अगर तुलनात्मक बोला जाए तो आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा युद्ध था? चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखिएगा, इसमें ये नाम भी ऐड कर लेना साथ साथ में, जो मैंने नाम बताया ना वो शायद आपने ऐड कर लिए होंगे। थोड़ा अलग अलग लाइनों में लिखना, लिखिए दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर, दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर मेवाड़ आए थे, दुर्गादास और राज सिंह ने दोनों ने मिलकर औरंगजेब के छोटे सहजादे, दुर्गादास और राज सिंह दोनों ने मिलकर औरंगजेब के सबसे छोटे सहजादे, औरंगजेब के सबसे छोटे सहजादे अकबर खान, औरंगजेब के सबसे छोटे शहजादे अकबर खान औरंगजेब के सबसे छोटे शहजादे अकबर खान का नाडोल में तिलक करके, नाडोल में तिलक करके, ये 1671 की बात है, नाडोल कोष्टक पाली में तिलक करके उसे बादशाह घोषित करके अपनी तरफ मिला दिया।
उसे बादशाह घोषित करके अपनी तरफ मिला दिया। राज सिंह और दुर्गादास दोनों ने राजनगर घाट में राजनगर घाट में औरंगजेब की सेना से भयंकर युद्ध किया। नेक्स्ट लाइन। देबारी घाट में लक्ष्मण सिंह सक्तावत ने औरंगजेब के परिवार को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं जगदीश मंदिर उदयपुर में जगदीश मंदिर को तोड़ने के लिए हसन अली खान जगदीश मंदिर को तोड़ने के लिए हसन अली खान गया तो उस दौरान झाला शार्दुल सिंह और नरू सौदा बारठ समेत 20 योद्धाओं ने समेत मात्र 20 योद्धाओं ने मुगलों को मंदिर में घुसने तक नहीं दिया था। तोड़ना तो दूर, घुसने तक नहीं दिया। औरंगजेब के हवाले कर दिया था। इस बात से दुर्गादास राजसिंह से काफी नाराज हुए। अकबर खान दक्षिण भारत भागने से पहले अपनी बेटी सफियतुन्निसा, नाम बड़ा प्यारा है। आई मेक टू सजेस्ट यू, कोई अपनी पुत्री का नाम रख सकता है। इट्स वेरी क्यूट नेम, मुझे तो काफी अच्छा नाम लगा, सफियतुन्निसा। और पुत्र बुलंद अख्तर। तो ये औरंगजेब के क्या लगे, दोनों
अकबर खान की बेटी और बेटा है तो औरंगजेब के क्या लगे, पोता पोती? सफियतुन्निसा और पुत्र बुलंद अख्तर को दुर्गादास के हवाले किया था, दुर्गादास के हवाले किया था। दुर्गादास के हवाले किया था। ठीक है साहब, चलिए राज सिंह जी की कुछ और बातें लिखिए। महाराणा राज सिंह ने राजनगर कोष्टक वर्तमान राजसमंद राजनगर कोष्टक राजसमंद राजनगर कोष्टक राजसमंद नगर बसाया। नेक्स्ट राजसमंद झील या राजसमुद्र झील, राजसमंद झील या राजसमुद्र झील 1665 से 70 लिखो। राज सिंह जी ने अकाल राहत कार्यों के लिए मतलब यूं समझ लो नरेगा चलाया था उन्होंने। गोमती ताल और केलवा नदियों का पानी रोककर एक विशाल झील का निर्माण करवाया। अरे सभी बेस्ट है यार, क्यों इतना ये बेस्ट ने वो बेस्ट ने, सभी बेस्ट है, सबका तरीका शैली अलग अलग होती है, सभी बेस्ट है। मैंने अपने आप को कब कहा कि मैं बेस्ट हूं? अब यहां पे शो ऑफ करना जरूरी है क्या? जानते ही है ना सब बेस्ट है लल्ले, कोई बेस्ट होने नहीं होने से सिलेक्शन नहीं होते। ना तो मेरा सवाल आएगा एग्जाम में, ना किसी एक्स वाई जेड सर का आएगा सवाल, ठीक है? कोई ये नहीं पूछेगा कि गोविंद मालवीय बेस्ट है या नहीं है, एग्जाम में व्याख्या कीजिए, ऐसा सवाल आएगा क्या कि गोविंद मालवीय बेस्ट है या नहीं है इस कथन की व्याख्या कीजिए, या ऐसा सवाल आएगा कि एक्स वाई जेड सर जो है वह बेस्ट है या नहीं है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है, सभी बेस्ट है, या शो करना जरूरी है क्या बीच में? ठीक है, इसलिए मैंने तो कभी अपना परिचय भी नहीं दिया आपको। आते ही सर वो फलाने सर बेस्ट है, तो रखो ना, बेस्ट कौन मना करता है। गजब के लोग है, कहां से आते हैं ये लोग, इसी धरती के हैं या फिर शायद आजकल कुछ एलियंस की खोज भी हो रही है। चले डाटा नहीं है पर डांटना पड़ता है कभी कभार, क्योंकि डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक है, शैली अलग अलग होती है तरीका। एनीवेज मैं क्या कह रहा था, मुझे भुला ही दिया बेस्ट के चक्कर में, क्या कह रहा था बताओ ना। हाँ, राजसमंद झील बनवाई थी, गोमती ताल केलवा नदियों का पानी रोककर अकाल राहत कार्यों के लिए। ठीक है, लिखिए, इसी झील के दीवार में घेवरी बाई को जिंदा चुनवाया गया था, घेवरी बाई को जिंदा चुनवाया गया था, घेवरी बाई को जिंदा चुनवाया गया था। ठीक है, इनका मंदिर भी है पास में। एनीवेज
आगे लिखो, लिखिए, इसी झील के किनारे राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, लिखिए, विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत भाषा में लिखा गया शिलालेख। राज प्रशस्ति कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में लिखा गया शिलालेख है। संस्कृत भाषा में लिखा गया शिलालेख है ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इस शिलालेख के रचयिता रणछोड़ भट्ट थे। इस शिलालेख में बप्पा रावल से राजसिंह तक संपूर्ण इतिहास मौजूद है। बप्पा रावल से राजसिंह तक का संपूर्ण इतिहास इस शिलालेख में मौजूद है। इतना बड़ा शिलालेख है ये राज प्रशस्ति, जो किसने लिखा है? रणछोड़ भट्ट ने। और भी बहुत सारी बातें हैं शिलालेखों के बारे में, लेकिन वो काम आर्ट एंड कल्चर का है। मैंने पहले ही कहा कि अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट का काम करने जाऊंगा तो मेरा काम कौन करेगा, मेरा इतिहास अधूरा रह जाएगा। वैसे भी टाइम बहुत लगता है मुझे एक एक चीज एक्सप्लेन करने में। तो बाकी आर्ट एंड कल्चर में आप राज प्रशस्ति के बारे में पढ़ लेना, 25 काले वाले पत्थरों पर लिखा हुआ है, फलाना ढिमका, ये वो वगैरह। और कुछ चीजें आपको ज्योग्राफी में वैसे ही मिल जाती है जब झीलें पढ़ते हैं आप, ठीक है। एक कहानी मुझे याद आ रही है इसी से रिलेटेड। देखिए, पहले जमाने में कोर्ट कचहरी थाने कौन से होते थे? राजे महाराजे ही होते थे। तो जब राजसमंद झील बनवा रहे थे ना, राजसिंह जी जब राजसमंद झील बनवा रहे थे, 17 मार्च 1665 को इसकी नींव रखी गई थी, तब ये झील बनाते बनाते काफी सारे केस पेंडिंग रहने लगे, काफी केस पेंडिंग रहते थे। आपको भी पता है कि अगर राजा का ध्यान जो है पूरा झील बनवाने में है तो पेंडिंग तो रहेंगे। और राजसिंह जी, मैं बताता हूं, नो डाउट बहुत वीर महान योद्धा थे, लेकिन परिवार का बैकग्राउंड उनका सही नहीं था। पत्नियों को लेकर, बेटों को लेकर उनका बैकग्राउंड सही नहीं था। उस मामले में काफी क्रूर थे, एग्रेसिव थे, मतलब काफी जबरदस्त एग्रेसिव, मतलब गुस्सा चेहरे पे। तो एक बार क्या हुआ कि काफी सारे केस पेंडिंग चल रहे थे, तो उनका जो बड़ा बेटा है ना अजय सिंह, जिनको बाद में आप जय सिंह कहोगे, बाद में वो जय सिंह जी नाम से विख्यात हुए। तो जय सिंह जी अपनी माता के पास में आए और माताजी को कहा कि ऐसा कौन सा पिताजी जो है समुद्र बनवा रहे हैं, जो उनको टाइम ही नहीं है, जनता परेशान हो रही है, बहुत सारे चीजों पर न्याय नहीं होता, लोगों के जमीनों के झगड़े चल रहे हैं, ऐसा कौन सा समुद्र बनवा रहे हैं, ऐसा कौन सा महासागर बनवा रहे हैं वो, जो उनको पास में टाइम ही नहीं है बिल्कुल। जितने में वो शब्द जो है ना, राज सिंह जी ने सुन लिया, पीछे आए और सुन लिया, और राज सिंह जी ने अपने बेटे जय सिंह को कहा कि मैंने तो समुद्र बनाया है या क्या बनाया है, तू बना के दिखा देना। इतनी होशियारी मार रहा है, हेकड़ी मार रहा है तू। तो उसी के देखा देखी होडा गोडी में, होड में जय सिंह जी ने, महाराणा जय सिंह ने उनसे भी डबल, उनसे भी आधे खर्चे में और उनसे भी पक्की शीशे से भरकर एक और झील बनवाई थी होड में, जिसे हम जयसमंद कहते हैं, ठीक है, जिसमें 9 नदियां और 99 नाले गिरते हैं। जयसमंद झील जो वर्तमान उदयपुर जिले के अंदर है, अब गहलोत साहब ने नए जिलों की घोषणा की है तो अब सलूम्बर में आ जाएगा। एनीवेज, तो साथियों, जाने से पहले फिर कहूंगा, लाइक शेयर तो आप करते ही हो, बार बार कहना अच्छा भी नहीं है। एक और जाते जाते एक और चीज कहूंगा, राज सिंह जी के साथ ही आधुनिक राजस्थान का इतिहास शुरू हो जाता है। तो आगे वाला इतिहास जो है, हम जो है
वह आधुनिक राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे। तो मेवाड़ रियासत को हम यहीं पे छोड़ेंगे, अगली क्लास में एक नया टॉपिक लेंगे। अब हम लंबा मेवाड़ को नहीं खींच सकते, मेवाड़ को हम इसके बाद आधुनिक राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेवाड़ को हम यहीं छोड़ेंगे राज सिंह जी के साथ ही, क्योंकि 1707 औरंगजेब की मौत के साथ में जो है मध्यकाल समाप्त हो जाता है, आधुनिक काल की शुरुआत होती है। तो अगली क्लास में जो हम टॉपिक लेंगे वो अभी मैं अनाउंस कर देता हूं, और वो होगा सिक्वेंस के साथ। क्योंकि हमने मेवाड़ को सबसे पहले क्यों चुना, मेवाड़ को इसलिए चुना था क्योंकि मेवाड़ में आप भी जानते हो बहुत सारे जो हैं रोमांटिक स्टोरी या राजे रजवाड़े आते हैं जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आता है, इसलिए मैंने चुना था। हम एक व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे राजस्थान का सिक्वेंस के साथ में। किसी किसी को लगता है ना कि मेवाड़ ही मेवाड़ अच्छा है, तो कभी हमारी हवेली पे आओ। कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, पढ़ने या पढ़ाने वाला बुरा हो सकता है, सब्जेक्ट सारे अच्छे होते हैं, अगर उसको ढंग से ना पढ़ाया जाए तो बुरा लगेगा, उल्टी आएगी। मैं इतिहास का सबसे बोरिंग सबसे वाहियात टॉपिक कल से शुरू करूंगा, जिसका नाम है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। यहां से हम क्रम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो राजस्थान की सभ्यताओं से स्टार्ट होगा, फिर हम क्रम से चलेंगे जिसमें से हम मेवाड़ छोड़ देंगे, ठीक है। तो जय सबकी जय हो, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर तो आप मत करो, क्योंकि करते ही नहीं हो, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी बाहर चली गई तो आपका क्या होगा। ऐसा मैंने नहीं, बहुत सारों ने मुझे कहा है पहले, इस कारण से हम वहीं के वहीं रह गए, और जिनको प्रसिद्ध नहीं होना था वो प्रसिद्ध भी हो गए, तो हौसला टूटता है इससे। आप जो नीचे कमेंट लिख के कहते हो कि सर पूरा पढ़ाओगे क्या, तो पूरा इंसान कब नहीं पढ़ाता, जब वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो मोटिवेट करने के लिए उसको भी तो लोग देखने चाहिए ना, समझ गए ना। तो समझ गए क्या करना है। बाय बाय, टेक केयर। अगर अच्छा लगता हूं तो शेयर जरूर करना।